हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं 5 वीडियो और करंट अफेयर के ऊपर बना चुका हूँ, आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी वीडियो में मैं सिलेक्टेड करंट अफेयर लेता हूँ जो इंपॉर्टेंट रहता है एसएससी टेनों के एग्जाम में जो आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो 6 नंबर की वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी सभी वीडियो जो करंट अफेयर की है उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहा हमारा करंट अफेयर का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन थ्रस्ट जो है लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है ऑपरेशन थ्रस्ट, किसने लॉन्च किया ऑपरेशन थ्रस्ट? क्या है ऑपरेशन थ्रस्ट? मतलब आरपीएफ नहीं, रेलवे पुलिस फोर्स ने स्टार्ट किया है। और इसमें ये होता है कि जो रेलवे स्टेशन पे जितने भी पानी की बोतलें, जो नकली पानी की बोतलें जो बेचते हैं, ठीक है, उन पर रोक लगाने के लिए ये ऑपरेशन थ्रस्ट जो है रेलवे ने स्टार्ट किया, रेलवे पुलिस फोर्स ने। ओके, सेकंड है, स्विस बैंक में रखे धन में भारत कौन से नंबर पे है? स्विस बैंक में जो काला धन है उसमें भारत कौन से नंबर पे है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 74th नंबर पे भारत है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला है, 2019-20 के बजट को क्या नाम दिया गया? सभी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। 2019-20 के बजट को क्या नाम दिया है? तो उसे दिया गया बही खाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th, अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है रेड हैट, उसका अधिग्रहण किया है या उसे अधिग्रहण किसने किया है? तो आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में किसे हराया? तो फाइनल में उन्होंने हराया न्यूजीलैंड को, और फाइनल में स्कोर बराबर था, तो वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, सुपर ओवर हुआ, और सुपर ओवर के बाद भी स्कोर क्या हुआ, बराबर हुआ, तो फिर उसके बाद बाउंड्री पे जो है डिसीजन हुआ और उसे फाइनल में जो वर्ल्ड कप जीता 2019 का, वो जीता इंग्लैंड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया, एक तो सुंदर पिचाई है और दूसरे हमारे हैं फ्रेडमैन। ठीक है, तो सुंदर पिचाई और फ्रेडमैन को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा रहा 2019 में? तो वो रहा कालू, और ये कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो जो अभी 2019 में जिसे बनाया गया वो है एनएस विश्वनाथन। ठीक है, और इसके अलावा बाकी 3 भी आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना कौन से कब से लागू हो जाएगी? तो ये योजना स्टार्ट हो जाएगी 2020 से। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कछुए की एक नई प्रजाति किस राज्य ने खोजी है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो ये गांव का नाम है अमाशे बोलू। ठीक है, अमाशे बोलू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सबसे ज़्यादा महिला विश्व फीफा वर्ल्ड कप, सबसे ज़्यादा महिला फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन बन गई? तो वो है अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 सेलिब्रिटी की सूची में पहले नंबर पे कौन है? तो वो है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, सेलिब्रिटी में फर्स्ट नंबर पे है टेलर स्विफ्ट। भारत का क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र राज्य बना कौन सा? तो वो है केरल। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 350 ओडीआई खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं एमएस धोनी और पहले हैं सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन नंबर 16, आम बजट 2019-20 को किसने पेश किया? तो वो पेश किया निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, WHO ने किस देश को खसरा मुक्त घोषित किया? तो वो किया है श्रीलंका को। क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू किया? तो वो किया है पश्चिम बंगाल ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अभी तक सबसे अधिक बार बजट के पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने सबसे अधिक बार जो है बजट पेश किया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो वो है एसएस बोबडे। क्वेश्चन नंबर 21, देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? वो है लद्दाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, देश का सबसे बड़ा जिला कौन सा बना है? तो वो है लेह। क्वेश्चन नंबर 23, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने विजय पाटिल। क्वेश्चन नंबर 24,
नोबेल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया है? तो ये दिया गया इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को, और वो इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम से जो इरीट्रिया, इनके पड़ोसी कंट्री जो इरीट्रिया से विवाद चला, तो उसे इन्होंने शांत किया, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, वज्र प्रहार ये सैन्य अभ्यास है किस किस के बीच होता है? तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। क्वेश्चन नंबर 26, बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा। इससे पहले की जो 5 वीडियो है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उन वीडियो को भी आप देखिएगा और वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत